तो आज हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे एक स्टोरी के थ्रू। स्टोरी है द सेकंड चांस। तो सेकंड का मतलब दूसरा और चांस का मतलब होता है मौका, यानी कि ये स्टोरी जो है किसी को दूसरा मौका मिला है। क्या है कहानी में अभी पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग समझेंगे और इसका अर्थ निकालेंगे कि क्या है। ठीक है, यहाँ लिखा है इसको वंस देयर। ठीक है, वंस पढ़ेंगे और ये लिखा देयर वाज अ लिटिल स्पैरो। स्पैरो का मतलब गौर आया हु लव्ड टू सिंग। अब यहाँ पर हु को मतलब जो है, कौन कैसे, कई मीनिंग होते हैं उनके, लेकिन यहाँ पर जो आया है तो यहाँ पर वंस जो है एक सब्जेक्ट के लिए है। वंस देयर वाज अ लिटिल स्पैरो हु लव्ड टू सिंग, मतलब एक स्पैरो, एक छोटी स्पैरो जो है, देयर वाज अ स्पैरो लिटिल स्पैरो हु लव्ड टू सिंग। वहां पर एक छोटी चिड़िया स्पैरो थी जो क्या करती थी, गाना गाने क्या करती थी, पसंद करती थी। फिर लगे एवरी, ये हो जाएगा एवरी डे। एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन। सी मतलब है वुड पर्च। वुड का मतलब यहाँ पर आया, जब हम कोई पास्ट की वाली बात कहते हैं तो थ्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्च ऑन अ ब्रांच, ब्रांच का मतलब कि पेड़ की टहनी होती है, इसको ब्रांच बोलते हैं। आउटसाइड अ विजी, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, अ विजी का मतलब व्यस्त। मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस का मतलब होता है बाजार वाला जो स्थान होता है उसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। एंड फिल, फिल का मतलब भरा हुआ, द ईयर या फिल एंड फिल, यहाँ तो समझिए पहले। एवरी डे सी वुड पर्च ऑन अ ब्रांच आउटसाइड अ बिजी मार्केट। एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन, वह वुड पर्च का मतलब उड़कर बैठ जाती थी, ऑन अ ब्रांच टहनी पर, आउटसाइड का मतलब बाहर, अ बिजी मार्केट जो एक बिजी मार्केट थी उसका क्या है, आउटसाइड मतलब बाहर, वहां पर एक टहनी पे जाके वो बैठ जाती थी। एंड और फिल का मतलब भर देती थी, द ईयर, ईयर का मतलब हवा को, विद हर मतलब अपनी ब्यूटीफुल मेलोडाइज, मेलोडाइज का मतलब होता है मधुर आवाज से। ठीक है, तो क्या करती थी कि द ईयर विद द ब्यूटीफुल मेलोडाइज, यानी इतने मधुर संगीत से या अपनी मधुर आवाज से पूरे वातावरण को, पूरी ईयर को भर देती थी। द पीपल, पीपल का मतलब लोग, पासिंग का मतलब गुजरते थे। बाई वुड प्लेस, वुड पाउस, पाउस का मतलब होता रुक जाते थे, यहाँ पर वुड आ गया, फिर तो यहाँ पर थे आ जाएगा, पाउस का मतलब रुक जाते थे। टू लिसन, सुनने के लिए, इन इनचेंटेड, इनचेंटेड बाय हर स्वीट वॉइस। और क्या कह रहे हैं कि पीपल, पीपल पासिंग, पीपल का मतलब लोग, पासिंग का मतलब गुजरते हैं। बाय द वुड पाउस, जैसे लोग वहां से गुजरते थे, पाउस वो रुक जाते थे। टू लिसन मतलब सुनने के लिए, इनचेंटेड बाय हर स्वीट वॉइस, और वो सुनकर उसकी वॉइस को, इनचेंटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, मतलब उसकी जो आवाज है उसमें बिल्कुल खो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना। स्वीट वॉइस मतलब प्यारी आवाज में। वन डे, एक दिन, द फॉक्स मतलब लोमड़ी, हैपेंड हुआ टू पास वाई एंड हियर, एक बार क्या हुआ कि लोमड़ी वहां से क्या हुई, पास हुई मतलब गुजरी। एंड और हियर का मतलब सुनकर, द स्पैरो सिंगिंग, और स्पैरो को सुनकर, जो स्पैरो गाना गा रही थी उसको सुनकर वो वहां पर क्या हो गई, और हियर द पासिंग स्पैरो सिंगिंग। द फॉक्स वाज कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मोहित हो जाना किसी की, क्या था यहाँ पर, कैसे टू पास एंड द हियर द स्पैरो सिंग, तो जब लोमड़ी वहां से गुजर रही थी तो उसकी आवाज को सुनकर वो वहां पर क्या हो गई, स्टॉप हो गई या रुक गई। द फॉक्स वाज कैप्टिवेटेड का मतलब मोहित हो गई, बाई का मतलब द्वारा, द म्यूजिक, उसके जो म्यूजिक को सुना तो लोमड़ी क्या हो गई, मोहित हो गई। एंड सा, और देखा, एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, और उसने एक, एन का मतलब एक, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, और उसने एक अवसर देखा, फॉर का मतलब के लिए, डिलीशियस मील, डिलीशियस का मतलब था स्वादिष्ट भोजन। देख रहे हैं स्पैरो क्या कर रही है, अच्छे से गाना गा रही है, बढ़िया तरीके, लेकिन जैसे लोमड़ी, चालाक है लोमड़ी, जैसे लोमड़ी देखा कि वहां पर स्पैरो है, उसने सोचा कि मैं इसका एक डिलीशियस अपना भोजन क्या है बना सकती हूँ। एक अपॉर्चुनिटी देखी, अवसर देखा, ही अप्रोच्ड, अप्रोच्ड का मतलब आग्रह किया। ठीक है, ही द स्पैरो, तो ही अप्रोच्ड द स्पैरो, तो उसने स्पैरो से क्या किया, आग्रह किया। एंड सैड, एंड सैड का मतलब और कहा, डियर स्पैरो, प्रिय स्पैरो, योर वॉइस, तुम्हारी आवाज इज सो लवली, बहुत ही ज्यादा क्या है, प्यारी है। वुड यू प्लीज सिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगी, तो वुड यू प्लीज सिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए गाओगी। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, टू हियर, सुनना, योर सॉन्ग, तुम्हारे गाने को अप क्लोज, पास में आकर तुम गाना गाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। द स्पैरो, तो चिड़िया गौराया है, स्पैरो है, विंग काइंड हार्टेड, विंग काइंड हार्ट का मतलब
काइंड का मतलब दयालु हृदय की है स्पैरो, एंड ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग का मतलब भरोसा कर लिया, और एग्रीड का मतलब मान ली, एंड स्लो डाउन, और नीचे उड़ी टू द ग्राउंड, जमीन पर उड़ी, नियर द फॉक्स, और लोमड़ी के पास में जाके क्या हुई, उड़ी एज सून एज, जितनी जल्दी हो सका शी लैंडेड, और जैसे ही वो लैंडेड हुई उतरी जमीन पर, द फॉक्स लोमड़ी पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना, हैपनिंग टू कैच, और उस जैसे ही वो लैंडेड हुई वैसे लोमड़ी ने उससे क्या किया, झपट्टा मारा, कैच द स्पैरो, कैच का मतलब पकड़ना, द स्पैरो को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने क्या किया, झपट्टा मारा, इन हिज जॉ, अपने पंजे से, जॉ का मतलब पंजा होता है पंजे से, बट द क्लेवर स्पैरो, लेकिन क्लेवर का मतलब चालाक स्पैरो, क्विकली बहुत जल्दी से, फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का मतलब फड़फड़ा कर, ठीक है, हिज विंग, विंग्स का मतलब पंख, अपने पंखों को फड़फड़ाकर, एंड फ्लो बैक अप, और दोबारा से क्या हुई, उड़ गई अप टू द सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षित, ऑफ द ट्री, और सुरक्षित अपने ट्री पर क्या हुई, उड़ गई, द फॉक्स, द लोमड़ी फॉक्स फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है कि पछतावा करना या अफसोस करना, फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज, द्वारा, हिज मतलब अपने, फेल्ड का मतलब असफल, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना किसी चीज का, कॉल्ड आउट द स्पैरो, और जो लोमड़ी थी वो बहुत ही ज्यादा उदास थी या फ्रस्ट्रेटेड हो गई बाय हिज, अपने असफल प्रयास के कारण कि वो स्पैरो को पकड़ नहीं पाई, कॉल्ड आउट द स्पैरो, और उसने दोबारा से स्पैरो को बुलाया, ओ डियर प्रिय स्पैरो, ओ डियर स्पैरो प्रिय स्पैरो, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो, अभी आगे स्टोरी और भी है, वो हमने अभी केवल आधी लिखी है, आधा पार्ट लिखी है, और इसके बाद में कल डिस्कस करेंगे आगे स्टोरी में क्या होता है, कि कैसे एक अच्छा स्पैरो गाना गा रही थी और लोमड़ी ने उसको अपने पास बुलाकर, और उसने क्या किया, पहुंच हैपनिंग का कैच, अपने झपट्टा मारा पकड़ने के लिए, लेकिन जो क्लेवर स्पैरो है वो दोबारा से उड़ के कहाँ चली गई, पेड़ पर चली गई, फिर जो है लोमड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गई, फिर उसने दोबारा से क्या कहा उसे, ओ डियर स्पैरो प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो, अब देखते हैं स्पैरो बाद में क्या करती है, क्या कहानी है इसकी, द सेकंड चांस की, तो हम कल देखते हैं, ठीक है।